वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा हार्ट जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो आज हम लोग इसी हिस्से के इसी ऑर्गन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से लेकर सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हार्ट दिल जो है हमारे पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका काम होता है हमारे पूरे शरीर में खून का संचार करना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी सर्कुलेट कर पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो पाता है। हमारे हार्ट जो है 250 से 300 ग्राम तक का होता है। मेल्स में हार्ट जो है बड़ा होता है और फीमेल्स का हार्ट थोड़ा छोटा होता है। और जो हार्ट होता है हमारे क्लिंच्ड फिस्ट शेप का होता है और इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि डबल लेयर की होती है। और उसके सेकेंड लेयर में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि इसे इंजरी से थोड़ी प्रोटेक्शन देता है। और ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है और रिब केजेस जो होते हैं इसको प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे हार्ट की लंबाई जो होती है, हार्ट की लंबाई 12 सेंटीमीटर तक होती है लेंथ, और 9 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है चौड़ाई। हमारा दिल हमारे पूरे शरीर में खून का संचार करता है, लेकिन हमारे दिल को भी खून की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी कोरोनरी आर्टरी उसे पहुंचाती है। हमारे दिल को खून कोरोनरी आर्टरी पहुंचाती है। उस कॉम्पिटेटिव लेवल के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो हमारे हार्ट में जो है चार चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट राइट वाले साइड के अपर चैम्बर को कहते हैं राइट आर्ट्रियम, और उसके नीचे वाले चैम्बर को कहते हैं राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड के अपर वाले चैम्बर को लेफ्ट एट्रियम कहते हैं और उसके नीचे वाले चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। हमारा हार्ट जो है हमारे शरीर की मेन नसों से जुड़ा होता है, और राइट एट्रियम और इसके इंटरनल पार्ट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसमें से खून आता है, जो है कि डीऑक्सीजनेटेड खून जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में इसी वॉल्व के थ्रू आता है। और ये वॉल्व जो है वन वे फ्लो को रेगुलेट करता है, ताकि खून जो है एक ही डायरेक्शन में जाए, दूसरे डायरेक्शन में ना भटके। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इससे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक नोड प्रेजेंट, मतलब एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। इस ये जो है वन वे फ्लो प्रोवाइड करता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। पल्मोनरी आर्टरी के बाद जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व पाया जाता है, जिसे हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये जो है ये भी वही काम करता है जो बाकी वॉल्व्स करते हैं। और ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जो है ये अवोर्टिक वॉल्व फोर्थ वॉल्व है। अवोर्टिक वॉल्व जो फोर्थ और लास्ट वॉल्व है, अवोर्टिक वॉल्व, जिसके थ्रू जो है हमारा खून जो है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। हमारे हार्ट के लेफ्ट और राइट पार्ट को सेपरेट करने वाली जो वॉल होती है उसे कहते हैं सेप्टम। हमारे हार्ट के प्रोटेक्टिंग लेयर को कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में। हमारा हार्ट जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पर काम करता है। तो सबसे पहले हमारा खून जो है, हमारा ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकाला जा चुका होता है, वो खून जो है सुपीरियर वेना कावा, मतलब ऊपर सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ऊपर के बॉडी पार्ट से, और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू नीचे के बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के आने के बाद हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व को पास करता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर वो पल्मोनरी वॉल्व्स के होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में पास होता है, और फिर इसके बाद वो लंग्स के पास जाता है, जहाँ पर इसका डिफ्यूज़न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और फिर ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है। तो ऑक्सीहेमोग्लोबिन जो है जो उस खून में प्रेजेंट होता है,
फिर उसके बाद जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट अट्रियम में, लेफ्ट अट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर उसके बाद जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारी अवोर्टिक वॉल से होते हुए अवोर्टा में से अवोर्टा से होते हुए हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता, सर्कुलेट हो जाता है हमारा खून। मतलब हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को दो बार जो है दो बार इनटेक करता है और पंप करता है, इसीलिए इसे इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे डाउट हो या फिर या अगर इसमें आपको किसी के चीज़ पे डाउट हो तो आप क्वेश्चन ज़रूर करें, और अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप भी हमें फिर कमेंट कर सकते हैं, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।